हाय गाइस, तो बात कर लेते हैं पिछले हफ्ते के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। बट उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यहीं पर सारी अपडेट्स आती हैं। दूसरी चीज़, मैं थोड़ा सा अपनी जो स्ट्रैटेजी थी, लाइव ट्रेडिंग वीडियोज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जो मैं ट्रेड करता था जिस स्ट्रैटेजी से, दैट वॉज ट्रायंगल्स, उनको मैंने थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा मतलब चेंज करके ट्रेड करता हूँ, और अभी मैं उसको दिखाना नहीं चाह रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बट उसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? तो देखो भाई, क्या हो रहा है मार्केट में। अगर आप इसकी हम बात कर लेते हैं, लास्ट एक्सपायरी की, 100 रुपये की चीज़ जाएगी 260, 240 और वापस से 100 रुपये आ जाएगी। अब आप कहोगे इसमें बचे कैसे, या तो आप सोचोगे अगर आप 100% का SL लगाते तो वो भी क्रॉस हो रहा है, ठीक है, सबके SL टूट के वापस, तो इनसे बचने का कोई भी तरीका नहीं है। आप नेकेड सेलिंग करोगे, आप फंसोगे। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पूरी मार्केट ना कंजेस्टेड हो गई है। अगर आपने देखा हो, पूरी दुनिया घुस चुकी है ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग में। रोज रोज की एक्सपायरी ने क्या करा, स्ट्राइक्स को, लोगों को पिन कर दिया कि अब सारे निफ्टी ही ट्रेड करेंगे, सारे उस दिन बैंक निफ्टी ही ट्रेड करेंगे। तो क्या हो रहा है, चीजें पिन हो रही हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें फिर हम क्या करें, सवाल ये आएगा कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, हमें कैसे उसको मैनेज करना चाहिए। तो उस चीज के लिए मैंने जो सोल्यूशन निकाला वो यही है कि यार, सबसे पहले तो अगर आप स्ट्रैंगल वैंगल करते हो, हेज करना शुरू कर दो, ठीक है। अभी जो स्ट्रैटेजी मैं जो रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, मैं शायद बाद में एक्सप्लेन करूंगा, कभी बताऊंगा। तो लेकिन एक सिंपल साइकोलॉजी बता रहा हूँ, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम कर दो। क्योंकि क्या हुआ, इतनी सारी एक्सपायरी आने के बाद, एक टाइम था भाई मैं इससे कम पैसे में से ज्यादा पैसे बना लेता था, लेकिन आज ज्यादा पैसे में कम पैसे बन रहे हैं, ठीक है। और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं अपने ड्रॉडाउंस को, आपको बताया, काबू में रखता हूँ। कभी भी बड़ा लॉस लेने से मैं हमेशा डरा रहता हूँ, तो मेरे को कभी दिक्कत नहीं होती। मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम, 6 महीने मार्केट वापस चल लेगी, 8 महीने, 1 साल, मेरे को कोई जल्दी नहीं। मैं 1 साल बाद वापस से वही वही, मेरे को पता है 1 साल तक आधे लोग बाहर निकल चुके होंगे, हम फिर से वही रूटीन में आ जाए। तो जब तक लोगों की सफाई होने में टाइम लगेगा, देखो, क्योंकि फैक्ट है दुनिया बहुत ज्यादा आ चुकी है अब इस फील्ड में। और जब तक देखो, इतनी सारी एल्गोस बन गए, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस बन गए, छोटे छोटे लोगों ने लोगों से पैसा उठा उठा के सेम चीजें कॉपी करके एल्गो बना के चेप दिया, जब तक वो लोग जीरो नहीं होते तब तक ये चलता रहे, ठीक है। क्योंकि ऐसी 4-5 स्ट्रैटेजी थी इंटरनेट पे फ्री, सारी दुनिया सेम की सेम रन करने लग गई और वो सबको बैकफायर करने लग गए, सारे ऑप्शन प्राइसिंग। बट एनीवेज, इसके लिए अगर एक साइकोलॉजी की हेल्प दूं तो यही दे सकता हूँ भाई, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना शुरू करो। अगर आप FNO करते हो सिर्फ, स्विंग की तरफ जाओ, स्विंग नहीं करते और स्विंग करते हो सिर्फ, बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि वो तो फेवरेट पार्ट है। बट अगर आप सिर्फ FNO करते हो, चेंज करो अपने स्टाइल को, ट्राई करके देखो, हो सकता है चेंज करके आपको बेटर कोई ऑप्शन मिल जाए। पोजिशनल की तरफ ध्यान दो, ठीक है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं, मल्टीपल तरीके हैं, आप स्विच कर सकते हो। मेरा दूसरा अकाउंट भी आपको पता हो, आज से 1.5 साल पहले इंट्राडे वाला ही था, इट हैज बीन स्विच टू पोजिशनल फॉर क्वाइट सम टाइम अब, ठीक है। वो तो मैं दिखाता भी नहीं कुछ वगैरह, वो 10 लाख का अकाउंट है दूसरा, उसमें पोजिशनल ही चलता है ट्रेड। एनीवेज, इस हफ्ते का अगर हम देख लें PNL तो क्या रहा, कुछ खास बना नहीं, 15-16 हज़ार रुपये बने हैं। बट बेस्ट पार्ट इज, आप देखो लॉस क्या है, 8 हज़ार रुपये, 13 हज़ार रुपये, ठीक है। प्रॉफिट 12-20, लॉसेस की तरफ पूरा पूरा कंट्रोल करें, ठीक है। और ऐसे ही यही अप्रोच के साथ मेरे को अच्छा भी लग रहा है, कंफर्टेबल हूँ। महीना इज अप 2.5%, ठीक है, तो 50 हज़ार रुपये, कुछ कंप्लेंट नहीं है, ठीक है। इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है, बहुत मीडियोकर पुअर परफॉर्मेंस है, बट एटलीस्ट ग्रीन है। एक्विटी देख ले तो एक्विटी मेरे लिए बहुत फेवरेबल रही है। तो हमने जो बुक करा अमाउंट, लगभग लगभग 8% का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और 8% का और चल रहा है, देखो जैसे, ठीक है ना, 84,000 और चल रहे हैं अभी, तो इस महीने महीने का ही, ठीक है। तो एक्विटी बहुत बढ़िया चल रहा है, बाकी यही अपडेट है। इसीलिए मैं ज़्यादा स्ट्रेस ले भी नहीं रहा कि अभी दूसरी चीज़ चल रही है। मैं धीरे धीरे, वैसे यार मेरे को स्विंग करने में ही ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। मेरे को मजा असली तो इसी में है, वहां तो बहुत स्ट्रेस है भाई, ठीक है। वहां जो स्लोली स्लोली हमारा चल रहा है काम, उसको वैसा चलने देंगे FNO को, और बाकी यहाँ पर ठीक है अपना। एनीवेज, ये अपडेट थी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वेरीफाइड का लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। थैंक यू।